हेलो बच्चों, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल सपना विश्वकर्मा एजुकेशन पे। आई होप आप सब स्वस्थ होंगे और मस्त। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10 का एक्सरसाइज 6.2 ट्रायंगल का क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है द डायगनल ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी इंटरसेक्ट इच अदर एट द पॉइंट ओ सच दैट ए ओ रेशियो बी ओ इक्वल टू सी ओ रेशियो डी ओ सो दैट ए बी सी डी इज अ ट्रेपीजियम। ठीक है, ए बी सी डी एक क्वाड्रिलेटरल है जिसके डायगोनल पॉइंट ओ पे इंटरसेक्ट करते हैं, जिसमें ए ओ रेशियो बी ओ इक्वल टू सी ओ रेशियो डी ओ है। ठीक है, तो हम लोग को ये प्रूव करना है कि ये ए बी सी डी जो है वो एक ट्रेपीजियम है। ठीक है, तो हम लोग कैसे शो करेंगे? एक कंस्ट्रक्शन हम लोग यहाँ पे करेंगे, ओ से होते हुए एक लाइन खींचेंगे ई ए बी की पैरेलल। ठीक है, उसके बाद अगर हम लोग इस लाइन को ए बी के पैरेलल प्रूव कर देते हैं तो ए बी जो है सी डी के पैरेलल है। ठीक है, तो जब ए बी और सी डी पैरेलल है आपस में तो क्या हो जाएगा, ये एक ट्रेपेजियम हो जाएगा। ठीक है, तो आइए हम लोग प्रूव करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे गिवेन ए बी सी डी इज ए क्वाड्रिलेटरल हुज डायगोनल ए सी एंड बी डी इंटरसेक्ट एट पॉइंट ओ एंड ए ओ रेशियो बी ओ इक्वल टू सी ओ रेशियो डी ओ। ठीक है, देन वी हैव टू प्रूव दैट ओ ई पैरेलल ए बी पैरेलल सी डी सो दैट ए बी सी डी इज अ ट्रेपीजियम। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले कंस्ट्रक्शन करेंगे। ठीक है, कंस्ट्रक्शन थ्रो ए लाइन ओ ई पैरेलल टू ए बी। ठीक है, प्रूफ इन ट्रायंगल ए बी डी, यहाँ देखिए एक ट्रायंगल ए बी डी बन रहा है। ठीक है, तो इन ट्रायंगल ए बी डी ए बी पैरेलल ओ ई सो अकॉर्डिंग टू बी पी टी बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम ए ई रेशियो ई डी इक्वल टू ओ बी रेशियो ओ डी। ये हो गया आपका इक्वेशन वन। ठीक है, नाउ वी हैव टू गिव इन ए ओ रेशियो बी ओ इक्वल टू सी ओ रेशियो डी ओ। ठीक है, तो ए ओ रेशियो बी ओ इक्वल टू सी ओ रेशियो डी ओ। ठीक है, लेकिन हम लोग इक्वेशन वन में देखिए ओ बी रेशियो डी ओ दिया हुआ है। ठीक है, तो अगर हम लोग इसको अल्टरनेट कर देंगे क्रॉस मल्टीप्लाई करके। ठीक है, ये बी ओ को इधर कर देंगे क्रॉस मल्टीप्लाई करके और सी ओ को यहाँ कर देंगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा ए ओ रेशियो सी ओ इक्वल टू बी ओ रेशियो डी ओ। ठीक है, ये हो जाएगा, समझ गए? अब यहाँ देखिए आगे ना बी ओ चाहे ओ बी। ठीक है, बी ओ रेशियो डी ओ, तो बी ओ रेशियो डी ओ इक्वेशन वन में क्या दिया हुआ है, ए ई रेशियो डी ई दिया हुआ है। तो हम लोग यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, यहाँ लिख सकते हैं हम लोग फ्रॉम इक्वेशन वन ए ओ रेशियो सी ओ इक्वल टू बी ओ रेशियो डी ओ। ठीक है, तो बी ओ रेशियो डी ओ का वैल्यू क्या है इक्वेशन वन से, ए ई रेशियो ई डी। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं ए ई रेशियो ई डी। ठीक है, हम लोग को आया ए ई रेशियो ई डी इक्वल टू ए ओ रेशियो सी ओ। ठीक है, ये आ गए यहाँ पे, तो यहाँ पे देखिए इसका साइड सेम प्रोपोर्शन में हो गया तो हम लोग इसको लिख सकते हैं सो ओ ई, तो हम लोग लिख सकते हैं कि सो ओ ई पैरेलल डी सी। ठीक है, ओ ई पैरेलल ए बी था, अब ओ ई पैरेलल हम लोग डी सी कर दिए। ठीक है, तो ये क्या हो गया, ओ ई पैरेलल डी सी हो गया और ओ ई पैरेलल ए बी है। ठीक है, तो ए बी पैरेलल डी सी भी होगा, तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं ओ ई पैरेलल डी सी पैरेलल ए बी। ठीक है, सो जब इसका साइड जो है आपस में पैरेलल हो गया। ठीक है, ऊपर का साइड और नीचे का साइड ये दोनों आपस में पैरेलल हो गया तो हम लोग लिख सकते हैं सो ए बी सी डी इज अ ट्रेपीजियम। ठीक है, तो ये हो गया आपका प्रूफ। तो आज के लिए इतना ही, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद।